नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सबके सब बढ़िया होंगे। आदर सबका स्वागत है कास्ट सेकंड गेम के सबसे पहले एपिसोड में। तो दोस्तों, ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टॉप 10 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीज़ के। तो आइए लिस्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट स्टार्ट करते हुए टॉप 10 स्मार्टफोन के बारे में अगर बात करें, वो होगा रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। तो दोस्तों, ये बेसिकली रेडमी नोट 10 प्रो ही है, लेकिन आपको कुछ माइनर चेंजेस किया मिला गया है इसमें। तो दोस्तों, ये चेंजेस क्या है? एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर लगाया गया है, रिप्लेसिंग द 48 मेगापिक्सल सेंसर इन द रेडमी नोट 9 प्रो। और फ्रंट कैमरा में भी चेंजेस किए गए हैं, और चार्जिंग स्पीड्स थोड़े बढ़ाए गए हैं दोस्तों इस फोन में। और बैटरी में आपको 5000 mAh की लाइपोलीमर बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो 4500 या 4700 mAh की थी रेडमी नोट 9 प्रो में। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। बेसिकली एंटायर फोन सेम है, प्रोसेसर और डिस्प्ले वगैरह कुछ भी सेम, कुछ भी बदला नहीं गया है दोस्तों। आप लेकिन इन चार फीचर्स के लिए आपको 2 से 3,000 रुपीज़ प्रीमियम भरना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स का लोगो लग गया है उसमें। लेकिन दोस्तों, मैं बोलूँगा बिल्कुल दूर रहिए इससे। अगर आपको लेना है तो रेडमी नोट 9 प्रो ही ले लीजिए। कुछ भी 3,000 रुपीज़ के मतलब 3,000 रुपीज़ प्राइस हाइक का ये लायक नहीं है दोस्तों, तो इस फ़ोन से दूर ही रहिए। तो दोस्तों, हम अगर 9th पोजीशन में जो फ़ोन आता है उसके बारे में बात करें, तो ये होगा सैमसंग गैलेक्सी A50s। दोस्तों, ये फ़ोन में आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाता है सैमसंग का एक्जिनोस प्रोसेसर, जो इस फ़ोन का बॉटल नेक है, ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफर नहीं करता है। लेकिन इसके प्रोस क्या है, इसमें आपको सैमसंग की तरफ से आया हुआ एमोलेड पैनल मिल जाता है, जो फुल एचडी प्लस है विद नो हाई रिफ्रेश रेट, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है आपको। इसका मैं एक ही वेरिएंट आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ मिलने वाला। और ये आपको 18,500 रुपये में सिर्फ फ्लिपकार्ट में मिलता है। अमेज़ॉन में अभी ये 21,000 का हो गया है, तो आपको ये इतने प्राइस में तो नहीं मिलेगा अमेज़ॉन में। लेकिन दोस्तों, ये फ़ोन उन लोगों के लिए जिन लोगों को सैमसंग के ही फ़ोन लेने हैं, और एमोलेड पैनल, एमोलेड स्क्रीन के मेन प्रायोरिटीज़ में आते हैं, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो। इसके कैमराज भी बहुत अच्छे हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छा कर देता है, सेल्फी कैमरा भी इसका अच्छा है दोस्तों। मैं बोलूँगा अगर आप मीडिया कंजम्पशन ज़्यादा करते हो ये ले लो, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत लैग करता है दोस्तों। ये आप अगर गेमिंग के लिए ले रहे हो, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए ये है जो मेड इन इंडिया चाहते हो, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते हो, इन लोगों के लिए ये फ़ोन है दोस्तों। आप बिल्कुल खरीद सकते हो, निराश नहीं होगे। तो दोस्तों, 8th पोजीशन में जो फ़ोन आता है उसके बारे में हम अगर बात करें, तो ये होगा पोको F1। दोस्तों, पोको F1 को इस लिस्ट में आप देख कर ज़रा शॉक हो सकते हो, क्योंकि ये फ़ोन 1.5 से 2 साल पुराना है। लेकिन दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस तब बहुत ही अच्छा था, आज भी अच्छा है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो कोई भी फ़ोन से उन सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस और गेमिंग इन सब के बारे में अगर बात करें। कैमराज भी इसके अबव एवरेज है, वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। लेकिन इसके मेन कौन से हैं जिनको, जो कुछ लोगों को बहुत ही मतलब मेन हो सकते हैं, वो है डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, डिस्प्ले इसका उस टाइम में भी ज़रा मोटा था, इसके बेजल्स थोड़े ज़्यादा थे उस टाइम के लिए भी, क्योंकि ये बजट फ़ोन में आता था। दोस्तों, इसमें आपको कलर्स अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं, क्लैरिटी भी अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले ना थोड़ा मतलब बहुत ही मोटा है, बेजल्स मोटे हैं और चिप भी मोटा है। लेकिन इसके प्रोसेसर वगैरह बहुत अच्छा है दोस्तों। प्रोसेसर 2018 का फ्लैगशिप प्रोसेसर था, स्नैपड्रैगन 845, तो परफॉर्मेंस आज भी मिड रेंज फ़ोन से तो अच्छा ही दे देता है दोस्तों। इस फ़ोन के प्राइजेस के बारे में अगर बात करें, तो ये आएगा आपको 18,500 रुपीज़ में। एक टॉप वेरिएंट आता है इसका रोसो रेड का, लेकिन मैं बोलूँगा आप यही वेरिएंट कुछ और कलर में ले लोगे, वही आर्मर्ड एडिशन में, तो आपको 17,500 में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। मैं दोस्तों यही वेरिएंट आपको रिकमेंड करूँगा, बेस वेरिएंट्स में आप मत जाइए। ऑलरेडी ये 2 साल पुराना फ़ोन है, आपको स्टोरेज में प्रॉब्लम आ सकता है बेस वेरिएंट में अगर जाओ तो। लेकिन दोस्तों, ये वेरिएंट आप लोगे ना, परफॉर्मेंस लवर्स आप डिसअपॉइंट नहीं होगे दोस्तों। इसमें आपको मिल जाता है 8GB रैम तक के ऑप्शंस, 256GB तक के ऑप्शंस आपको स्टोरेज में देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। और ये फ़ोन जो है, ये मतलब आपको कैमरा में आपको 4K 60fps तक आप शूट कर सकते हो इसमें, एडिटिंग में अच्छा खासा कर देता है ये, लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छा कर देता है, बिल्ड क्वालिटी को छोड़कर सभी अच्छे हैं दोस्तों इस फ़ोन में। तो दोस्तों, हम अगर अगले फ़ोन के बारे में बात करें जो 7th पोजीशन में आता है, वो होगा सैमसंग की तरफ से आया हुआ गैलेक्सी M40। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो 1 साल पुराना है, परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाएगा कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन।
दोस्तों, लेकिन ये सैमसंग लवर्स के लिए सारे बॉक्सेस टिक कर देता है। इसमें आपको होल पंच डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, हालांकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें, एक्सटर्नल ही मिल जाता है आपको। और इसमें आपको 6 GB 128 GB और 8 GB 128 GB तक का रैम और स्टोरेज ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो ये 16,000 से स्टार्ट होकर 18,000 तक एंड हो जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको 16,000 वाला वेरियंट ही रिकमेंड करूँगा जो आपको 6 GB और 128 GB स्टोरेज के साथ मिल जाता है, क्योंकि 2 GB रैम के लिए आप 2,000 एक्स्ट्रा पे करना मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों। इस फ़ोन में आपको डिसेंट कैमराज मिल जाते हैं, मैं तो बोलता हूँ अबव एवरेज कैमराज देखने के लिए मिल जाते हैं फोटोग्राफी के लिए, और डिस्प्ले भी अच्छा है दोस्तों, कलर्स वगैरह सब अच्छे हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही कमी है, वो है इसका स्नैपड्रैगन 675, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये चल जाएगा दोस्तों। ये फ़ोन फिर से उन लोगों के लिए जो सैमसंग लवर्स है और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहते, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते, वो आप तब उस क्राइटेरिया में आप ये खरीद सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों 6th पोजिशन में जो फ़ोन आता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये होगा रेडमी नोट 9 प्रो। दोस्तों ये फ़ोन जो है आपको 13,999 रुपये से यानी 14,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर आपको 18,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है दोस्तों। इसके स्टार्टिंग वेरिएंट जो है 4 GB से शुरू होकर एंडिंग वेरिएंट जो है 8 GB रैम तक का मिल जाता है, और 64 से लेकर 128 GB तक का स्टोरेज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। लेकिन इस फोन में एक ही कमी है दोस्तों, ये रेडमी नोट 8 प्रो से कम परफॉर्म करते हैं गेमिंग और वीडियोग्राफी, इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों। इसमें आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, 2 MP का मैक्रो कैमरा है, 8 MP का वाइड एंगल कैमरा है, 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा है दोस्तों। ये फोन क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर में आता है दोस्तों। ये फोन बेसिकली मीडियम गेमिंग तो कर देता है दोस्तों, लेकिन हाई एंड गेमिंग एक्सपेक्ट मत करना, जितना नोट 8 प्रो करता है उतना भी ये नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छा है देखने के लिए भी, लुक्स और इसके डिजाइन और होल्डिंग फील में भी अच्छा आता है दोस्तों। ये आपको ग्लास कॉर्निंग वाला ग्लास 5 देखने के लिए मिल जाता है इसको फ्रंट एंड बैक दोस्तों, तो प्रोटेक्शन तो अच्छा ही है दोस्तों। मैं ये फोन उन लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो रेडमी नोट सीरीज को फॉलो करते आए हैं, नोट 4 एटलीस्ट नोट 5 से तो खरीदते आ रहे हैं नोट सीरीज को, तो उन लोगों के लिए ये फोन जरूर अच्छा लगेगा दोस्तों। कैमरा भी इसका अच्छा ही है। मैं दोस्तों बोलूंगा ये रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स से वैल्यू फॉर मनी ज्यादा ऑफर करता है दोस्तों। इसमें आपको होल पंच डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है जो फुल एचडी प्लस है, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले इसमें नहीं मिलता है दोस्तों, हेडफोन जैक तो है इसमें वो भी एक प्रो है, और 4700 mAh का बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें, 18 W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों इसमें। मैं बोलूंगा एक 1.5 आवर में तो चार्ज हो ही जाएगा, और बैटरी परफॉर्मेंस भी इसकी अबव एवरेज है दोस्तों, एक दिन तो चल ही जाएगा। तो दोस्तों अगले फ़ोन के बारे में हम अगर बात करें जो 5th पोजीशन में आ जाता है वो होगा रेडमी नोट 8 प्रो। दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है मीडिया टेक की तरफ से आया हुआ हीलियो G90T जो एक पर्टिकुलरली गेमिंग बेस्ड प्रोसेसर है, ये मीडिया टेक की तरफ से आया हुआ फ्लैगशिप प्रोसेसर है, इससे ऊपर का आपको मीडिया टेक की तरफ से नहीं मिलता है, और ये गेमिंग में बहुत ही अच्छा कर देता है दोस्तों। इसमें आप HDR तक का गेमिंग खेल सकते हो, स्पेशली पबजी अगर आप ज़्यादा खेलते हो तो ये फ़ोन आपके लिए अच्छा ही रहेगा दोस्तों। इसमें आपको क्वाड कैमरा के सेटअप देखने के लिए मिल जाता है कैमरा का, इसमें आपको 64 MP का प्राइमरी सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, 2 MP का मैक्रो कैमरा, 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा, और 8 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। ये फ़ोन जो है मैक्रो फोटोग्राफी अच्छी तरीके से कर लेता है, वाइड एंगल भी इसका अच्छा ही है, 64 MP कैमरा तो रेडमी नोट 10 प्रो से भी अच्छा है, और परफॉर्मेंस ओवरऑल इसके अच्छा है, और डिज़ाइन में मेरे को पर्सनली रेडमी नोट 9 प्रो से ये अच्छा दिखता है दोस्तों। इसमें आपको वाइट ग्रीन और ब्लैक कलर में आपको ये मिल जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 14,000 से स्टार्ट होकर 18,000 तक इसका टॉप वेरिएंट आपको मिल जाता है दोस्तों। मैं बोलूँगा आप टॉप वेरिएंट ले लो, अच्छा परफॉर्म कर देता है, या 6 GB वाला वेरिएंट भी आप ले सकते हो, लेकिन बेस वेरिएंट में मत जाना दोस्तों। इसमें आपको एडिशनल फीचर्स के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें आपको MI रिमोट यानी IR ब्लास्टर देखने के लिए मिल जाता है, जो आप टीवी एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। ये फीचर आपको रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और रेडमी नोट 9 प्रो में भी मिल जाता है दोस्तों, और एडिशनल MI फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं दोस्तों आपको इसमें। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन MI की तरफ से अच्छा ही किया गया है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैमरास अच्छे सब अच्छे है दोस्तों, गेमिंग के लिए भी अच्छा है दोस्तों। दोस्तों अगले फ़ोन के बारे में हम अगर बात करें जो 4th पोजीशन में आ जाता है वो होगा रियलमी 6 प्रो। दोस्तों ये फ़ोन बेसिकली रियलमी की तरफ से आने वाला मिड रेंज में XT से थोड़ा कम है, लेकिन
आपको अच्छे फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। ये फ़ोन जो है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 720G के साथ आ जाता है, जो सेम रेडमी नोट 9 प्रो में मिल जाता है दोस्तों। और इसमें आपको एडिशनल फीचर्स क्या मिलते हैं, डिस्प्ले में आपको 90Hz का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में आपको दो कैमरास मिल जाते हैं दोस्तों, प्राइमरी कैमरा के साथ और एक वाइड एंगल कैमरा भी इसमें आपको दिया गया है दोस्तों। वाइड एंगल कैमरा भी ये अच्छा खासा काम करता है दोस्तों इस फ़ोन में। और पीछे की तरफ अब अगर जाएँ तो इसके रेयर कैमराज में आपको चार कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का वही मैक्रो कैमरा दोस्तों। इसके डिज़ाइन के बारे में अगर बात करिए तो स्टनिंग लुक्स देता है दोस्तों ये, मतलब ऑरेंज कलर और ब्लू कलर में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है वो बोल्ट डिज़ाइन के साथ दोस्तों। डिज़ाइन के मामले में ना ये पूरे लिस्ट में यही मेरे को सबसे अच्छा दिखता है दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ग्लास दिया हुआ है आपको पीछे और आगे भी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको। और इसमें रियलमी फ़ोन्स में स्पेशल फीचर ये है कि इसमें आपको वॉप चार्ज 30 वाट का चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, जो आपके फ़ोन को लगभग 1 घंटे या एटलीस्ट 2.5 घंटे में तो चार्ज कर ही देता है दोस्तों। इस फ़ोन में आपको मेन क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 90Hz पैनल देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको गेमिंग मोड भी कुछ पर्टिकुलरली दिए गए हैं। कैमरास बहुत अच्छे दोस्तों, इस पूरे लिस्ट में ये टॉप 2 में तो आ ही जाता है कैमरास में, कैमरास बहुत अच्छे हैं दोस्तों। लेकिन गेमिंग ना रियलमी 6 जो इसका लोअर वेरिएंट है उससे ये कम गेमिंग करता है दोस्तों, मतलब इसमें आपको उतना ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल जाते जो आपको रियलमी 6 में देखने के लिए मिल जाते दोस्तों। अगर आप डिज़ाइन और कैमरास के मेन प्रायोरिटी आपका तो आप ज़रूर ले सकते हो दोस्तों। इसके प्राइजेस 16,000 से स्टार्ट होकर आपको 18,999 तक का आपको मिल जाता है दोस्तों, प्राइसेस में वेरी, ये लॉकडाउन के वजह से प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगले फ़ोन के बारे में अगर बात करें जो थर्ड पोजीशन में आता है वो होगा रियलमी X2 दोस्तों। ये फ़ोन में आपको क्वालकॉम की तरफ से 730G देखने के लिए मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 730G जो पर्टिकुलरली गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है। अब हीटिंग इशू ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले नहीं मिलता है दोस्तों। अगर हम इसके प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये लगभग 17,500 से शुरू होकर 21,000 तक मिल जाता है दोस्तों। जो टॉप 8GB रैम और 128GB स्टोरेज का वेरिएंट है वो आपको 21,000 में मिल जाता है दोस्तों। लेकिन मैं बोलूँगा 19,000 का कुछ मिल जाता है इसका मिड वेरिएंट जो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज तक आ जाता है, वो आप ले लो, वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, बाकी एक डेप्थ कैमरा, एक वाइड एंगल कैमरा और एक वही मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट कैमरा भी इसका अच्छा है दोस्तों, लो लाइट परफॉर्मेंस ये बहुत ही बढ़िया करता है दोस्तों। अगर डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है, इसका क्रंची डिस्प्ले है, आपको कलर्स क्रिस्प मिल जाते हैं दोस्तों। इसमें आपको बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये डिस्प्ले। एमोलेड पैनल आपको चाहिए तो ये ले सकते हो, लेकिन एक ही डाउनसाइड में इस प्राइस पॉइंट में आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले नहीं मिलता, हालांकि एमोलेड है, LCD नहीं है दोस्तों। हम अगले फ़ोन के बारे में बात करें जो सेकंड पोजीशन में आ जाता है वो होगा पोको X2 दोस्तों। इसमें आपको 8GB रैम तक का ऑप्शन और 256GB स्टोरेज तक का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। इस बार Xiaomi ने आउट ऑफ द चार्ट्स परफॉर्म किया है दोस्तों, 256GB स्टोरेज आपको किसी भी मिड रेंज फ़ोन में देखने के लिए नहीं मिलता है सिवाय पोको X2 का दोस्तों। इस फ़ोन में आपको स्पेशल फीचर्स क्या मिल जाते हैं, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले जो 120Hz के साथ आता है और फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले है वो भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत स्मूथ है ये डिस्प्ले, डिस्प्ले भी स्पेशल फीचर के अंदर ही आता है। इसमें भी आपको IR ब्लास्टर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, हेडफोन जैक भी है और क्वाड कैमरा का सेटअप है दोस्तों इसका। पर्सनली मेरे से पूछो तो ये रियलमी X2 से ज़्यादा परफॉर्म करता है कैमरा डिपार्टमेंट में। इसमें भी आपको डुअल कैमराज दिए गए दोस्तों फ्रंट में, जो रियलमी 6 प्रो में दिए गए, लेकिन इसमें आपको उसकी तरह वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन फिर भी जो भी ये पोर्ट्रेट्स अच्छा खींच लेता है दोस्तों ये। अगर इसके इस प्रोसेसर के बारे में हम अगर बात करें इस फ़ोन में मिलने वाला, तो ये होगा सेम रियलमी X2 वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G जो एक गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है दोस्तों। ये गेमिंग भी अच्छा खासा कर लेता है दोस्तों, डिज़ाइन भी कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन टच एंड फील में ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया इस बार। इसमें भी आपको टाइप सी कनेक्टर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों नीचे दोस्तों। ये आपको 4700 mAh में देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों इसका बैटरी दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है दोस्तों, मतलब 8GB रैम वाला भी है इसमें। 21,499 में मिल जाता है दोस्तों,
जो रियलमी एक्स टू के टॉप वेरियंट से 500 रुपये ज़्यादा है, लेकिन डबल स्टोरेज ऑफर करते हैं दोस्तों ये फ़ोन आपको। दोस्तों ये फ़ोन जो है ना, मेरा कहना मानो तो कुछ दिन रुक के ले लो, क्योंकि इसके प्राइसेस 2000 हाइक हो गए हैं दोस्तों ड्यू टू द लॉकडाउन। तो दोस्तों थोड़े दिन रुक के ले लो, ये फ़ोन भी बढ़िया फ़ोन है दोस्तों। तो फर्स्ट पोजिशन में आता है उस फ़ोन के बारे में अगर बात करें तो ये होगा रियलमी 6। दोस्तों ये फ़ोन जो है, मैं ये पूरा वीडियो वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, ना कि टॉप स्पेक्स के लिए बना रहा हूँ। जो आपको कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स देता है उस अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये रियलमी 6 जो है आपको वैल्यू फॉर मनी बेस्ट ऑफर करता है दोस्तों। ये आपको 16,500 में इसका टॉप वेरियंट मिल जाता है दोस्तों, आपको प्राइजेस में वैरी दोस्तों, लेकिन ये 16,000 में बहुत कुछ ऑफर करता है दोस्तों। इसमें भी आपको डिस्प्ले में कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलती है, डिस्प्ले में कट्स नहीं किया गया है दोस्तों रियलमी 6 प्रो से कंपेयर करें तो। इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज़ का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, जो बहुत स्मूथ है दोस्तों। इसमें आपको MediaTek की तरफ से आने वाला हीलियो G90T जो Redmi Note 8 Pro में देखने के लिए मिल जाता है, वही मिल जाता है दोस्तों। ये आपको 6 GB और 64 GB से स्टार्ट होकर 8 GB 128 GB तक का स्टोरेज आपको मिल जाता है दोस्तों। इसमें ये स्टार्ट 14,000 से होता है दोस्तों, और एंडिंग इसके प्राइस है 17,000 तक आ सकता है दोस्तों। हाल ही में 16,500 में है दोस्तों, लेकिन 17,000 तक ये पहुंच सकता है दोस्तों। ये फ़ोन में आपको 4 कैमरा देखने के लिए मिल जाते हैं, पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से एक ही कैमरा देखने के लिए मिलता है। पीछे आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने के लिए मिल जाता है प्राइमरी सेंसर, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का वही मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों इसमें। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी बेस्ट है दोस्तों। वैल्यू फॉर मनी में ये आपको गेमिंग भी अच्छा खासा कर देता है, मतलब इन सब फ़ोन में से ना ये इसका परफॉर्मेंस मेरे को सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा दोस्तों। अब अगर डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, गेमिंग में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, एडिटिंग भी आप अच्छा करना चाहते हो, वीडियोग्राफी भी इसमें अच्छी मिल जाती है दोस्तों आपको, इसमें कोई कॉर्नर्स कट नहीं किया गया हो दोस्तों। लेकिन इसमें एक ही कमी है जिन लोगों को ये मेन हो सकता है, इसमें आपको पीछे की तरफ से पॉलीकार्बोनेट का जो है बैक देखने के लिए मिलता है, ना ही ग्लास का, क्योंकि इसका प्रो वेरिएंट जो है उसमें आपको ग्लास देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये रियलमी 6 प्रो से भी ज़्यादा परफॉर्म करता है दोस्तों, इसलिए मेरे को सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा दोस्तों। मैं एक पॉइंट मेंशन ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये सब फ़ोन्स में ना सिवाय पोको फ़ोन के, अब अगर आप इस टाइम में इन सभी फ़ोन में से कोई भी फ़ोन ले रहे हो, आपको 1 से 2,000 रुपये प्रीमियम भरना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन के वजह से GST बढ़ाए गए हैं और रेट्स भी बढ़ाए गए हैं दोस्तों। तो अगर आप इस टाइम में ये फ़ोन्स खरीद रहे हो सिवाय पोको F1 के, तो आपको ज़्यादा ही रेट्स भरना पड़ेगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट कीजिए, पसंद नहीं भी आया तो नीचे कमेंट कीजिए, कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट में दे सकते हो। अगले वीडियो किसके बारे में बनाना है आप वीडियो में बोल सकते हो दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।